मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका उसको ध्यान की आवश्यकता है। कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी है और कैमरा के अधीन है। हम ये रशियन मॉडल और वो किम जोंग मॉडल में नहीं यकीन करते। यहाँ आए तो तेजस्वी जी को गाली दिए। क्यों गाली दिए? क्योंकि तेजस्वी जी ने नौकरी को लेकर के, हाँ हमने विजुअल्स देखे, मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। हम हाथ जोड़ के कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका उसको ध्यान की आवश्यकता है। लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूं बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी है और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी मैं समझता हूं कि एक तरह से खेल खेल रहे हैं। उचित नहीं है सर। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने रैली को संबोधन करते दौरान कहा कि मैं वापस जब आऊंगा तो 125 दिनों का रोड मैप मैंने तैयार कर लिया। कोई नहीं, 125 दिन के रोड मैप रिटायरमेंट प्लान में काम आएगा। और अगर कोई एक आध अच्छी चीज जो कि हमने 10 वर्षों में ना देखी हो तो जो नए प्राइम मिनिस्टर बने उनको वो सूची सौंप दीजिएगा, हम उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। हम विपक्ष को खारिज नहीं करेंगे। अगर आपकी पार्टी विपक्ष में हो तो उसके साथ भी संवाद करेंगे। आपकी तरह नहीं कि माय वे और हाईवे, ना। हम ये रशियन मॉडल और वो किम जोंग मॉडल में नहीं यकीन करते। इंडियन डेमोक्रेसी है, पक्ष और विपक्ष में संवाद रहना चाहिए। आपके कुछ अगर बहुत ही खूबसूरत आपके प्लान होंगे तो हम उसको अंगीकार करेंगे। नहीं, मैं सीधी कहता हूँ, उन्होंने तो गिनती करके बताया कितनी बार। अच्छा, मैं आप लोगों से ईमानदारी से पूछता हूँ, कभी आपने प्रधानमंत्री जी को अपने मैनिफेस्टो पे बोलते देखा? नड्डा जी को, अमित शाह जी को कभी नहीं। यहाँ आए तो तेजस्वी जी को गाली दिए। क्यों गाली दिए? क्योंकि तेजस्वी जी ने नौकरी को लेकर के एक पूरा का पूरा संदेश नैरेटिव भेज दिया। महिला सबलीकरण 1 लाख रुपए हर वर्ष वो दे दिया, इस पर प्रधानमंत्री जी कभी नहीं बोले। प्रधानमंत्री जी आक्रोश में आकर के टोटी नोच लेगा, बिजली काट देगा, भैंस खोल ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, मुजरा करेंगे ये लोग। अगर इस तरह की आप जुबान बोल रहे हैं तो आप कैंपेन के विमर्श को नीचे ले आ रहे हैं। ठीक किया मनमोहन सिंह जी ने कल चिट्ठी लिखी। किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक उस पद की डिग्निटी को इतना तार तार, उसकी गरिमा को इतना तार तार नहीं, मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका उसको ध्यान की आवश्यकता है। कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी है और कैमरा के अधीन है। हम ये रशियन मॉडल और वो किम जोंग मॉडल में नहीं यकीन करते। यहाँ आए तो तेजस्वी जी को गाली दिए। क्यों गाली दिए? क्योंकि तेजस्वी जी ने नौकरी को लेकर के, हाँ हमने विजुअल्स देखे, मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। हम हाथ जोड़ के कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका उसको ध्यान की आवश्यकता है। लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूं बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी है और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी मैं समझता हूँ कि एक तरह से खेल खेल रहे हैं। उचित नहीं है सर। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने रैली को संबोधन करते दौरान कहा कि मैं वापस जब आऊंगा तो 125 दिनों का रोड मैप मैंने तैयार कर लिया। कोई नहीं, 125 दिन के रोड मैप रिटायरमेंट प्लान में काम आएगा। और अगर कोई एक आध अच्छी चीज जो कि हमने 10 वर्षों में ना देखी हो तो जो नए प्राइम मिनिस्टर बने उनको वो सूची सौंप दीजिएगा, हम उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। हम विपक्ष को खारिज नहीं करेंगे। अगर आपकी पार्टी विपक्ष में हो तो उसके साथ भी संवाद करेंगे। आपकी तरह नहीं कि माय वे और हाईवे, ना। हम ये रशियन मॉडल और वो किम जोंग मॉडल में नहीं यकीन करते। इंडियन डेमोक्रेसी है, पक्ष और विपक्ष में संवाद रहना चाहिए। आपके कुछ अगर बहुत ही खूबसूरत आपके प्लान होंगे तो हम उसको अंगीकार करेंगे। प्रचार थम गया है, अब विदाई की बात। नहीं, मैं सीधी कहता हूँ, उन्होंने तो गिनती करके बताया
कितनी बार। अच्छा मैं आप लोगों से ईमानदारी से पूछता हूँ, कभी आपने प्रधानमंत्री जी को अपने मैनिफेस्टो पे बोलते देखा? नड्डा जी को, अमित शाह जी को कभी नहीं। यहाँ आए तो तेजस्वी जी को गाली दिए। क्यों गाली दिए? क्योंकि तेजस्वी जी ने नौकरी को लेकर के एक पूरा का पूरा संदेश नैरेटिव भेज दिया, महिला सबलीकरण 1 लाख रुपए हर वर्ष वो दे दिया। इस पर प्रधानमंत्री जी कभी नहीं बोले। प्रधानमंत्री जी आक्रोश में आकर के टोटी नोच लेगा, बिजली काट देगा, भैंस खोल ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, मुजरा करेंगे ये लोग। अगर इस तरह की आप जुबान बोल रहे हैं तो आप कैंपेन के विमर्श को नीचे ले आ रहे। ठीक किया मनमोहन सिंह जी ने कल चिट्ठी लिखी। किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक उस पद की डिग्निटी को इतना तार तार, उसकी गरिमा को इतना तार तार नहीं।